अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये एक नोकिया का पुराना फ़ोन है, नोकिया E72 सिम्बियन फ़ोन है। इस पर देखें सिक्योरिटी लॉक है, लॉक हमें नहीं पता, इस वजह से ये आगे नहीं जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सिक्योरिटी लॉक कैसे ओपन किया जाएगा। तो याद रखना कि ये एक सिम्बियन फ़ोन है और इसको आप वैसे तो बगैर डोंगल के भी फ्लैश कर सकते हैं, बट इसको मैं इस वक्त इन्फिनिटी बेस्ट होंगे से फ्लैश करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, बैटरी रिमूव करके इसके पीछे मॉडल नंबर भी लिखा होगा, तो इसका फैक्ट्री नेम है RM530। शायद आप कैमरे से सही प्रीव्यू ना देख पा रहे हो, बट मैं बता देता हूँ, नोकिया E72-1 मॉडल है ये और RM530 इसका प्रोडक्ट कोड है। तो अब देखें इसको फ्लैश करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है आपने कि आप यहाँ से इसका नोकिया कनेक्टिविटी ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके बाद आपने इसका फर्मवेयर भी यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये फर्मवेयर जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो सकता है ये पासवर्ड मांगे, तो ये पासवर्ड ऊपर गिवन है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ जाके पेस्ट करके फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका फर्मवेयर देखें, मैंने यहाँ से डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। तो इसके लिए देखें इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल को हम यूज़ करेंगे। नोकिया इन्फिनिटी बेस्ट, इसको हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसके बाद आपने BB5 इन्फिनिटी बेस्ट 1 एप्लीकेशन को रन करना है। ये 2 है जबकि ये 1 एप्लीकेशन है। ठीक है, 2 जो है नए फ़ोन्स के लिए है, नए MTK फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये इसका फर्मवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखा भी दूँगा अभी कि इसमें किस किस्म की फ़ाइलें हैं। ये देखें, ये इन्फिनिटी बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं और ये देखें, ये इसके अंदर फाइल है। एक नए बंदे के लिए काफ़ी कंफ्यूजन प्रोसेस है ये कि इतनी सारी फाइलें कौन कौन सी देनी है, क्या लिखा होगा। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपली इन्फिनिटी बेस्ट एप्लीकेशन को रन करेंगे। और क्योंकि ये सिम्बियन फ़ोन है तो ये BB5 कैटेगरी में आता है, तो आपने BB5 टैब पर रहना है। ठीक है, BB5 टैब पर रह के यहाँ से आपने इसके बाद नेक्स्ट फ्लैशिंग टैब पर जाना है। फ्लैशिंग टैब पर जाने के बाद आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, तो ये मॉडल है RM530। RM530 मॉडल हमने यहाँ से चूज़ करना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं। या देखें जी, अब सॉरी कैंसिल करते हैं। अब आपने यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक करके इसकी फाइलें ऐड करानी है। तो डेस्कटॉप पे देखें, हमने इसका फॉर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके रखा है और ये देखें, ये टोटल 5 फाइलें हमने देनी है फ्लैशिंग में। तो सिंपली आप फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल, यानी जो फाइलें रिकमेंडेड हैं वो डोंगल ने खुद ही शो कर दी हैं, बाकी फाइलें देख लें ऑटोमेटिकली नज़र नहीं आ रही। ये 5 फाइलें आप 1 by 1 डबल क्लिक करके ऐड करते जाएं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट ये करना है, डेड मोड को चेक लगाना है, क्योंकि फ्लैश बटन देखें डिसेबल है। तो डेड मोड को जैसे ही आप चेक लगाएंगे तो आपका फ्लैश बटन जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने फ़ोन को डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, फ़ोन आपका ऑफ होना चाहिए, देख लें ऑन नहीं होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ से एप्लीकेशन में जस्ट फ्लैश बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम फैक्ट्री रीसेट भी कर देते हैं ताकि इस पर जो भी पुराना सिक्योरिटी कोड है वो सारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखें फ्लैश बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम फ़ोन को डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हम डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो ये देखें फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और ये इसकी फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें 2-3-4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है पिछला सारा डाटा इरेज किया जा रहा है और इसके बाद न्यू सॉफ्टवेयर जो है इसके ऊपर राइट कर दिया जाएगा। तो देख लें, ये फ्लैशिंग प्रोसेस है, इसके बाद फ़ोन नॉर्मली ऑन होगा और इसका जो भी कीपैड लॉक था, सिक्योरिटी लॉक था, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल आपके पास है, तो वैसे तो हम इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है ना इन्फिनिटी बेस्ट के सर्वर से, नेवी मैनेजर टैब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आजकल इनका सर्वर प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है, सर्वर डाउन लिंक पे है या शायद इन्होंने बंद कर दिया, वट एवर, मुझे तो आईडी नहीं। फिलहाल किसी मॉडल की भी फाइलें सर्वर से डाउनलोड नहीं हो रही, इसलिए मैंने गूगल से सर्च करके और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और अगर नोकिया रिकवरी टूल से करना चाहते हैं तो
तो उससे भी आप कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी जो है चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लें। मैं कोशिश करूँगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जिन व्यूवर्स के पास या यूज़र्स जो हैं जो जिनके पास अगर इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल नहीं है तो वो बगैर डोंगल के भी कर सकते हैं। देखें इस वक्त फ़ोन जो है कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है, फाइनलाइजिंग हो रही है, इसका सॉफ्टवेयर सारा चेक हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, और अब ये देखें ये फ़ोन नॉर्मली ऑन हो गया है। तो अब ये क्योंकि टेस्ट मोड या लोकल मोड पे आता है, ब्राइटनेस बहुत कम होती है, शायद आपको देखने में फ़ोन ऑफ नज़र आ रहा हो, पावर दबाएंगे तो फिर देखते हैं पहले ऑन करके, अगर ऑन हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम इसकी बैटरी रिमूव करके एक दफ़ा दोबारा रीइंसर्ट करेंगे और इसके बाद ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं, और इसका जो स्क्रीन लॉक था यानी कीपैड लॉक था वो फिनिश हो गया है या नहीं। इस वक्त देखिए मैं बैटरी रिमूव करके वापस से इंसर्ट करता हूँ और इसको अब ऑन करने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है सामने। ठीक है, इस वक्त फ़ोन ने वाइब्रेट किया है और ऑन हो चुका है। ये देखिए ये वाइट स्क्रीन और इसके बाद नोकिया का लोगो आएगा। ठीक है, ये नोकिया का लोगो स्क्रीन पे आ गया है और ये देखें यहाँ तक जो है हमारा फ़ोन आ चुका है, यानी हमने कंट्री सेलेक्ट करना है, अफ़गानिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट सामने आया, आप बेशक इसको चेंज करके कोई और कंट्री जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान या फिलहाल एज़ इट इज़ जाने दें, कंट्रीज़ वगैरह बाद में फ़ोन के अंदर से भी चेंज की जा सकती है। तो इस वक्त देखें हम फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद फ़ोन थोड़ा सा आगे मूव करेगा, ओके करेंगे अगेन, ठीक है सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम डेट टाइम रहने देते हैं, बाद में सेटिंग की जा सकती है, ओके करते हैं। और ये देखें ये इस वक्त फ़ोन जो है वो वेलकम स्क्रीन पे आ गया है, जो भी इस पर कीपैड लॉक था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट्स आसान सा तरीका कार, अगर आपके पास इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल है तो आप इसके ज़रिए नोकिया के पुराने फ़ोन जो सिम्बियन फ़ोन्स हैं उनको भी ईज़िली फ्लैश कर सकते हैं, उनका स्क्रीन लॉक कीपैड लॉक जो भी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।